अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। बिजली महंगी और सोलर सिस्टम सस्ता। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सोलर सिस्टम की प्राइस इतनी ज़्यादा गिर गई है कि हर बंदा अपनी मर्जी के लिहाज से सोलर सिस्टम लगवा सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं गिरी, क्योंकि वो ये मुआवजना करेंगे आज से डेढ़ साल पहले, दो साल पहले देखेंगे कि यही सोलर पैनल की प्राइस हमें 30 रुपये पर वाट भी देखने को मिलती थी। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं देखा कि उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी और आज डॉलर की प्राइस क्या है। उस वक्त अगर डॉलर की प्राइस देखिए तकरीबन 150 का एक डॉलर होगा, लेकिन अगर आज की तारीख के अंदर डॉलर की प्राइस देखी जाए तो वो तकरीबन 300 रुपये का डॉलर हो चुका हुआ है। यानी कि 300 रुपये के राउंड बोरी देखने को डॉलर आप लोगों को मिलेगा। तो ये देखिएगा, आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले अगर आप लोग देखते हैं तो यही सोलर पैनल की प्राइस आप लोगों को 50,000 रुपये का एक सोलर पैनल मिल रहा था, यानी कि 80 रुपये पर वाट मिल रहा था। अगर देखा जाए आज से तकरीबन पिछले सीजन के अंदर, जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च चल रहा था, उस वक्त यही सोलर पैनल देखा जाए तो यही सोलर पैनल 130 रुपये पर वाट भी देखने को मिला, जो कि 70,000 रुपये का यही सोलर पैनल देखने को मिल रहा था। लेकिन आज की तारीख के अंदर यही सोलर पैनल आप लोगों को 30 से 32,000 रुपये का जो सोलर पैनल मिल रहा है, ये वही सोलर पैनल है। आप लोग यही सोलर पैनल खरीद के अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोग अपने घर में सोलर सिस्टम से फायदा लेते हुए अपने घर का बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता जाऊं, अगर आप लोग आजकल सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों को कितनी चीजों का फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताता जाऊं, जिस वक्त आप लोग सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं उस वक्त आप लोगों को यह सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप लोगों के घर में 24 घंटे लाइट मौजूद होती है। जिस वक्त जो मर्जी चीज आप लोग इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आप लोगों के घर में जो बिजली का बिल होता है वो या तो काफी हद तक कम हो जाता है अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं, और अगर आप लोग कोई बड़ा सिस्टम लगवाया हुआ है, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया है, नेट मीटिंग करवाई हुई है, तो आप लोगों का टोटली बिजली का बिल खत्म हो जाएगा। बास टाइम तो ऐसा होता है कि आप लोगों की एक्स्ट्रा जनरेशन जितनी भी हो रही है वो वापडा के पास सेव होती है, आप जब मर्जी उसे यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए एक मामूली घर के अंदर जिसके अंदर 3 से 4 पंखे चलने होते हैं, उसका अगर आजकल बिजली का बिल देखा जाए, उसका बिजली का बिल भी 5,000 से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। मामूली घर का अगर देखा जाए 8 से 10,000 रुपया बिल आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग 5,000 रुपया भी बिल देखते हैं तो आजकल अगर देखें 5,000 रुपया बिल है तो आप लोग ये देखिएगा कि आप लोगों का टोटल एक साल के अंदर कितना खर्चा आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं 1 किलोवाट का टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 1 किलोवाट का अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले अगर देखें तो यही 1 किलोवाट का अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल, जैसा कि लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन जे, जितने भी बड़ी कंपनी के सोलर पैनल है, इनमें से अगर आप लोग कोई सोलर पैनल लगाते हैं जो ओरिजिनल टेस्टिंग रिपोर्ट वाले सोलर पैनल आते हैं, इसके अलावा साथ अगर कोई अच्छी क्वालिटी का जो पाकिस्तान का टॉप क्लास का 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि इनवरेक्स का विरोन 2 सीरीज का, अगर आप लोग ये इन्वर्टर भी लगाते हैं, ये इन्वर्टर मैं इस वजह से कह रहा हूं, एक तो ये इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है, दूसरा ये इन्वर्टर थोड़ा सा प्राइस से दूसरे इन्वर्टर से ज्यादा है, अगर आप लोग ये ज्यादा प्राइस वाला इन्वर्टर भी लगाते हैं तो आजकल अगर ये लगवाते हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा 1,50,000 से 60,000 रुपया। इसी तरह अगर आप लोग लगाते हैं आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले तो यही सारा सिस्टम आप लोगों का लगने वाला था तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया। यानी कि आप लोगों का तकरीबन जो सिस्टम 3 लाख में लग रहा था वही सिस्टम तकरीबन आप लोगों का 1,50,000 से 60,000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि लग रहा है। यानी कि अगर आप लोग आजकल सिस्टम लगाते हैं तो आप लोगों को 40 से 50% बचत आने वाली है। इसी के बराबर अगर आप लोग देखते हैं कोई 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, वही सिस्टम आप लोगों का 10 से 12 लाख रुपए का लग रहा था, अगर आजकल देखते हैं तो आप लोगों का जो टोटल खर्चा आने वाला है ये 6 लाख रुपए आएगा। यानी कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए के अंदर, इसी के राउंड बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर, बकाया सारी चीजें लगाने के बाद आप लोगों का सिस्टम लग सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के काम पे, आप लोग किस कैटेगरी का काम करवाते हैं, आप लोग कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगाते हैं। मैं आप लोगों को एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसी सिस्टम के ऊपर हमें अपडेट रेट के साथ हमें कोई कोटेशन बना के दी जाए तो मुझे बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों को एक अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट अलग अलग वीडियो कहेंगे तो वो बना दूंगा, या कहेंगे
देंगे, एक ही वीडियो के अंदर सारी डिटेल आप लोगों को बता दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मकसद यही है कि जहां पर आप लोग लाखों रुपया हजारों रुपया बिजली का बिल दे रहे हैं, आप लोगों के पास आजकल बहुत ही अच्छा मौका है। आजकल आप लोग अपने घर में बिजली का बिल बचाते हुए, बिजली के बिल को खत्म करते हुए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, जो सिस्टम आप लोगों को तकरीबन 3 लाख रुपए का वही सिस्टम 1.5 लाख रुपए के अंदर पड़ रहा है, यानी कि 40-50% आप लोगों की बचत आने वाली है। जो सिस्टम 10-20 लाख रुपए का था उसका हाफ तकरीबन आप लोगों का खर्चा आ रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है, टाइम जाया ना कीजिएगा, जल्द से जल्द जितनी हो सके आप लोग अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाइएगा। इससे आप लोगों के घर में एक तो सुकून हो जाएगा, बिजली का बिल भी कम से कम होगा, दूसरी बात आप लोगों के घर में हर टाइम लाइट मौजूद होगी। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।